पंडित जी थोड़ा भविष्य बताएंगे क्या? अभी तेरा आईफोन इसमें गिरने वाला है। कैसा पंडित है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो अभी फिलहाल शाम के 5 बज रहे हैं एंड जस्ट अभी मैं सोकर उठा हूँ। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग सुबह मतलब 7 बजे, हाँ 6:30 या 7 बजे हम लोगों ने राखी सेलिब्रेट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने एडिट करके व्लॉग अपलोड किया, देन उसके बाद फिर मैं जिम जाकर आया ना, उसके बाद मैं खाना खाया, उसके बाद खतरनाक वाली नींद आने लगी मुझे, तो फिर मैं सो गया था। जस्ट अभी मैं सोकर उठा हूँ, अब चलते हैं कहीं बाहर घूमने। मस्त अभी ना बाहर बारिश नहीं हो रही, सबसे बेस्ट थिंग तो ये है, क्योंकि ऐसे पूरे दिन मतलब बारिश होती रहती है, तो अभी बारिश बंद है तो मस्त कहीं घूम कर आते हैं। अच्छा ठंडा मौसम हो रहा है, अभी जैसा मौसम है ना ऐसा ही मौसम हमेशा रहना चाहिए। अभी बाहर बारिश भी नहीं हो रही, धूप भी नहीं है एंड मस्त ठंडी हवा भी चल रही है। वहाँ पे कुछ दिख रहा है व्हाइट व्हाइट टाइप, पता नहीं क्या है, लाइट है, बादल ऊपर काले बादल तो भरे पड़े हैं। वैसे बारिश तो होगी थोड़ी देर के बाद, रात में होगी शायद खतरनाक वाली बारिश। फिलहाल तो मैं और गोलू हम दोनों चलते हैं स्कूटी से। यहाँ पे ना अभी क्या एक मस्त फनी सीन हुआ, गोलू स्कूटी चला रहा ना तो इसकी टोपी उड़ गई, ज्यादा तेज हवा में ना आगे से हवा आया और एकदम से उड़ गई। अभी हवा भी खतरनाक वाली चल रही है, इसीलिए पहले मैं जब टोपी पहनता था ना तो पूरा पीछे से टाइट कर लेता था, बिल्कुल टाइट, भले सिर दर्द होने लग जाए लेकिन टोपी उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने से ऐसे हवा आती ना अचानक से तो टोपी उड़ जाता है। बेचारा यहाँ पे स्कूटी रोक रहा है, वहाँ आधे रास्ते में इसकी टोपी गिर गई। तू पीछे बैठ, मैं चला नहीं, 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 तेरा ले, तू पहन नहीं, मैं टोपी नहीं पहनता, इतनी मुश्किल से मैंने यार कंघी किया है। तो अभी हम लोग जस्ट आधे रास्ते पे ही पहुंचे हैं, अभी बारिश स्टार्ट हो गई धीरे धीरे ही, अभी तो स्टार्ट हुई है बट देखते हैं कहीं तेज ना हो जाए यार। तो अभी हम लोग यहाँ घाट पे आए हुए हैं एंड यहाँ पे ना क्या खतरनाक व्यू आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देखो बादलों का एंड इसके बाद पानी। अभी 3-4 दिनों से खतरनाक बारिश हो रही ना, तो छिपरा में पानी देखो आप लोग। पहले जब हम लोग आए थे तो ये नदी पूरी सूखी हुई थी, मतलब सूखी हुई तो नहीं, पानी था थोड़ा बहुत, बट अभी खतरनाक वाला। ये जो यहाँ से बीच में जहाँ से हम लोग क्रॉस करके उस साइड से इस साइड आते थे ना, ये तो पूरा गायब ही है, पानी के अंदर छुपा हुआ है। मस्त है लेकिन, ये नहा तो सकते नहीं है यहाँ पे, पानी का बहाव जो है ना काफी तेज है। यहाँ पे अभी हम लोग मस्त फोटो शूटिंग करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे व्यू काफी मस्त आ रहा है। ये पूरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे जब गन्ने का वो जूस निकलता है ना, वैसा ही कलर का रहता है, सेम व्हाइट कलर और थोड़ा सा ग्रे टाइप का, यहाँ पे सेम वही कलर अभी मुझे देखने में लग रहा है। काफी मस्त व्यू है यार, पीछे बैकग्राउंड ग्रीन बादल साथ में। उस टाइम जब अपन आए थे तब इसके ऊपर से इस साइड से हम लोग उस साइड से इस साइड आए गए थे, बट अब तो आ जा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ना खड़े होकर मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, तो ये गीला भी हो गया थोड़ा बहुत मेरा। सो गाइस अभी मैं देखो कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये देखो ये कैसा लगा। बस फोन गलती से भी गिरे, फिर बताता हूँ मैं। अरे फोन को तो मैं फेविक्विक से चिपका लिया हूँ यार हाथ में, तू भी क्या बात करता है, डर नहीं लग रहा है इतने कोने पे बैठकर? नहीं वैसे तुझे तैरना तो आता नहीं, गिरा तो बस तू खुद के बताएगा और कौन। मैं तो तैर कर चले जाऊंगा, साइड में निकल जाऊंगा, तेरा आता पता नहीं। अरे तो इधर बहुत लोग हैं, वो बोल रहा किसी को नहीं आता तैरना, कोई नहीं बचाने आएगा। तो अभी यहाँ पे धूप भी निकल गई, वो देखो ओ क्या व्यू आ रहा है सही में, देख व्यू ऊपर देख नहीं पा रहे तो क्या व्यू, बहुत मस्त आ रहा है व्यू। अभी तो यहाँ पे धूप निकली है, 1-2 घंटे के बाद ना आज पूरी रात बारिश होगी। हाँ लगता तो है बादल, वो दिख रहा है असली निशानी, वहाँ से वहाँ तक काले बादल भरे पड़े और सब उस साइड जा रहे अपने घर की साइड। यहाँ पे तो मस्त घूमना फिरना कंप्लीट हो गया, अब हम लोग कहीं और चलते हैं, कहाँ जाना है ये तो अता पता नहीं है, ऐसे ही निकलते हैं कहीं भी घूमने फिरने, जहाँ भी अच्छा प्लेस दिखा या फिर मन किया रुकने का तो वहाँ रुक जाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ का, बाकी आप लोग लास्ट में व्यू देख लो, काफी मस्त है यार व्यू, मतलब बहुत रेयरली ऐसा व्यू देखने को मिलता है इधर उज्जैन साइड में, क्योंकि इधर पे ज्यादा पहाड़ वहाड़ नहीं है ना, नॉर्मली पहाड़ एरिया जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे खतरनाक व्यू रहता है, बट यहाँ पे भी है यार अभी तो मस्त व्यू है। तो अभी ना हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं राम घाट, ये रहा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा राम घाट है। स्कूटी अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे पार कर दिया, अब चलते हैं नीचे घूमने, मस्त राम घाट पे घूमते हैं। तो अभी जो है हम लोग नीचे आ चुके हैं, मतलब इस पुल पे थे अभी हम लोग, अभी इधर नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे ना लोग मस्त नहा रहे, काश मैं भी कपड़े लेकर आता, पहले हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं रहता ना, घर से निकलते कुछ अता पता नहीं रहता, और अभी मैं गिरते गिरते बच गया यहाँ पे, ये पूरा
मिट्टी और ये कीचड़ हो रहा है, फिसलेंगे इधर पे। इधर से ये सीढ़ी से चलते हैं। मैं अचानक से बोलते बोलते मेरा ये एक पैर फिसला, बच गया वो तो मैं। अच्छा है पहले से अगर हमारा प्लान रहता ना रामघाट आने का तो कपड़े लेकर आता, मैं मस्त नहा लेता। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते हैं यार शिप्रा नदी में। यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, ये रहा नदी के उस साइड, पता नहीं शायद गुरुद्वारा ही लग रहा, बाकी मुझे कन्फर्म पता नहीं है। मुझे कन्फर्म पता नहीं है। हाँ हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है गुरुद्वारा। यहाँ पे घाट है, यहाँ पे मतलब नहा कर वहाँ लोग जाते होंगे पूजा करने गुरुद्वारा में। यहाँ पे अभी जितना भी पानी भरा हुआ है ना नदी में, शिप्रा नदी में पूरा गंदा पानी है। अभी जो बारिश हुई है ना 1 वीक से लास्ट, वो पूरा बारिश का पानी यहाँ पे भरा हुआ है, तो वही बहुत ज्यादा मतलब ब्राउन कलर का है। ये पूरा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। ये एक पता नहीं यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये पूरा नदी के बीच में, ऐसा कहीं पे भी नहीं बना है, बस यही एक बना हुआ है। ये शायद पूजा करने के लिए है, यहाँ पे जाकर आप लोग पूजा कर सकते हो, या फिर जिसको पानी से डर लगता हो जाकर नहाने में, वो यहाँ से पानी लेकर नहा सकता हो, इसलिए शायद बनाया गया है, पता नहीं। एंड यहाँ पे ना इस प्लेस का नेम रामघाट है। इसका नेम रामघाट क्यों पड़ा ये मैं आपको बताता हूँ। कन्फर्म तो इतना मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ा बहुत मुझे पता है। लाइक जब राम भगवान जो है ना, राम भगवान का जब वनवास हुआ था, तो उस टाइम पे वो वनवास के टाइम पे ना यहाँ पे आए थे उज्जैन। उज्जैन में यहाँ पे ये शिप्रा नदी में नहाकर यहाँ पे, और पास में ही महाकाल मंदिर है, तो वहाँ पे गए थे पूजा करने महाकाल भगवान का, तो वही यहाँ पे राम जी नहाए थे ना, तो इसीलिए इस घाट का नेम रामघाट रख दिया गया। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे घाट है, पता नहीं 10-20-30, अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट हाँ 20-30 से ज्यादा ही घाट होंगे। वही ये सबसे ज्यादा पॉपुलर घाट है रामघाट। चलो एक चीज बेस्ट है कि आज बारिश नहीं हुई, मतलब पहले थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई थी बारिश, बट फिर बीच में रुक गई, तो चलो सही। आज हम लोग मस्त घूम लिए, अब चलो अब तो घर चलते हैं। अब शाम भी हो गया, अंधेरा भी होने को आ गया, 6:30 बज गए। 5 बजे हम लोग घर से निकले थे, 1.5 घंटा हो गया बाहर ही घूम रहे। पहले वहां पे गए थे, फिर अब यहां पे आए। ये देखो हमारे असली पंडित जी यहां पे, ओम नमः शिवाय। पंडित जी थोड़ा मेरा भविष्य बताएंगे आप क्या? पंडित जी थोड़ा भविष्य बताएंगे क्या? अभी तेरा आईफोन इसमें गिरने वाला है। कैसा पंडित है, एक लात मारूंगा पंडित तू ही गिरेगा। मेरे आईफोन पे नजर डाल रहा है ये। गाइस ये ढोंगी पंडित है, मेरे आईफोन पे नजर लगा रहा है, देख रहे हो? अभी गिरेगा तुरंत, 1 मिनट। हाँ, गिरवा 1 मिनट में देखते हैं तेरा पावर कैसे वर्क। ये पास क्या आ रहा है, दूर से वो रहता है ना, क्या बोलते है, पावर रहता है लोगों के पास। हाँ कुछ मंत्र ऐसा पढ़ और फिर ऐसा पानी लेकर मंत्र पढ़ रहा है। देखो देखो पानी लेकर मंत्र पढ़ रहा है, ओम नमः शिवाय। अबे गीला कर दिया, हट, कान में पानी घुस गया डायरेक्ट मेरे। ये जो है यहाँ पे नवंबर दिसंबर में मेला लगता है, अभी तो लगा नहीं, अभी पूरा खाली है बिल्कुल, ऑल साइड। पिछली बार जब हम लोग उज्जैन आए थे ना, तो हाँ, कार्तिक मेला था उस टाइम, आए थे हम लोग, आए थे तू नहीं आया? अभी आया था, थोड़ा बहुत था झूला वगैरह, एंड लास्ट में आए थे ना, एंड में 27 या 28 दिसंबर को आए थे। डेट तक याद है? अरे मतलब लास्ट में ही तो उज्जैन आए थे, डेट क्या याद है, इतना तो याद ही होगा। और बारिश स्टार्ट हो गई है, भागते हैं घर वापस। गाइस क्या है ना कि हमारी किस्मत ही खराब है, जब घूमने निकलते हैं तब बारिश। अभी दोनों गीले हो चुके हैं पूरी तरह से, और यहाँ से घर है 15 किलोमीटर दूर, अब गीला होते हुए जाना है घर। तो भी गाइस फिलहाल रात के 12:30 बज रहे हैं, एंड जैसे ही हम लोग बाहर से घर आए ना, पूरे गीले होकर आए थे, मतलब आप लोगों ने देखा ही कितना खतरनाक बारिश हो रहा था। तो घर आकर फिर नहाए, नहा धोकर रेडी होकर फिर मैं पीसी पे बैठ गया, वर्क कर रहा था। अभी फाइनली एडिटिंग वगैरह पूरा काम कंप्लीट हो गया, अभी मैं अब जा रहा हूँ डिनर करने। ये रहा फिलहाल मेरा डिनर, रोटी सब्जी है, तो चलो फिलहाल अब मैं डिनर करता हूँ। एंड आज ना गोलू का बर्थडे भी आ गया, क्योंकि 12:30 बज गया ना, तो 13 अगस्त है आज, तो गोलू को मैंने अभी विश कर दिया। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में वो आप लोग देखना जो कुछ भी रहेगा। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थोड़ा गुच्ची का चश्मा वश्मा लेकर आते तो अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ वही यार, वो मेरा जो था $3,000 वाला, वही। हाँ हाँ थोड़ा और लंबा चौड़ा फेंको, वैसे भी किसको पता हमारे पास है यार, नहीं है। अरे वो मेरे को वो नाइकी के शूज लेने थे यार, वो अरे वाला। तेरा टोपी अरे हाँ नाइकी 10,000 का यार वही।